ये वही जगह है जहाँ पे बांध, ये रास्ता था ना, ये पहले रास्ता टूटा है। गाइस मुझे तो इन सब का हालत देख के ही बुरा लगा और सोचो ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये सांस तू जगह 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 हाँ जी। तो गाइज आज का ये ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, हम उठ चुके हैं, अभी जल्दी जल्दी से रेडी होना, फिर आगे का ब्लॉग और कंटिन्यू रखेंगे। लव यू। हाँ जी, तो गाइज घर से रेडी होके निकल तो चुके हैं, लेकिन निकलने के साथ मेरा मूड खराब हो चुका। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जिस बाइक से जाने वाले थे, मेरे पास तो एक ही बाइक, और जो दूसरा बाइक था जो देने वाला था वो अचानक मना कर दिया। तो अब पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे। हम लोग जाने वाले 4 है और सामान भी है, जा रहे हैं दिलखुश को लाने के लिए। लाने के बाद देखते हैं हम लोग कैसे जाता है, अभी डिसाइड नहीं है कि, क्योंकि जो हमारा प्लान था, मेरा प्लान था, उसका तो माँ बहन हो चुका है। अब पता नहीं कि मूड खराब हो चुका है, शक्ल जो लग रहा होगा। खैर अब देखो कैसे कैसे जाता है, अभी तो दिलखुश को लाने के बाद पता चलेगा कि कौन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बने रहो। देखिए यार, जैसा हम लोग प्लान करते हैं असल में वैसा होता नहीं है। सुबह सुबह उसको हम फोन कर दिए, अभी नहाया, अभी जाके नहाया अच्छे से, ना कि रेडियो सबसे पहले इसको फोन किए, सुधांशु को फोन किए 5:30 या 6 के समथिंग फोन किए, दोनों में से कोई भी रेडी नहीं हुआ। मतलब जैसा ब्लॉग में दिखता है वैसा असल में होता नहीं है, बहुत ही लफड़ा रहता है। ठीक है, खैर एक से ही लेट है, ऐसे मेरा मूड खराब है, कैसे जाएंगे नहीं पता। एक तो वो भी मूड खराब कर दे ना रेडियो के, अब यहाँ से कब निकलते हैं कैसे जाते हैं। हम लोग को तो मेरा प्लान था कि वहाँ 7 बजे पहुँचेंगे, 8 बजे तक सब फिनिश, अभी तो 7 तो यहीं बज गया। से बता दिलखुश कितना बार का चमू नहा लिया, उसके बाद ब्रश करता है। इधर देखो बाबू, एक नंबर का बेशरम लड़का है। लो आ गए सरपंच साहब, मुसड़ी वाला। यस यस, फोन करते कब पहुंचता है, कब आओ पैदल। और देखो यार, ये वहां जाने के लिए हम रात से प्लान कर रहे थे, हम सब रात से प्लान कर रहे थे वहां जाने के लिए, और अभी लिटरली मूड खराब तो हो ही गया, कैसे जाएंगे ये भी नहीं पता। और जाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो खुशी गम में बदल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी तो जाना ही है, और कैसे जाना है आई डोंट नो गाइस। फिलहाल गाइस हम लोग थोड़ा दूरी तय करने के बाद आ चुके हैं दुकान, जो हम रात में सारा सामान ले चुके थे, अभी सामान लेके जल्दी जल्दी से निकलना भैया। सामान फिलहाल हम लोग चलते हैं, सुधांशु तुम यहीं रुको, ठीक है, लोग जाते हैं सामान लेके, गिर मत जाना बस सुधांशु, सॉरी दिलखुश। ठीक है, दिख कहाँ रहा है दिलखुश, और इसे पहले भी नहीं दिखता था, अभी भी नहीं दिख रहा है। सुधांशु को लेने के बाद, भाई घर जाने के बाद पैकिंग पैकिंग पैकिंग। तो अभी गाइस फिलहाल हम लोग को ये सब मतलब निकाल के जो इकट्ठा जो भी इकट्ठा अभी हमको पैकेट बनाना है, सबका पैकेट, कम से कम जितना पैकेट बन जाए, हम लोग जो भी सामान है जितना भी पैकेट बन जाए, पैकेट बनाना, वो भी जल्दी जल्दी बन। फाइनली गाइज हमारा पैक कंप्लीट हो चुका, पैक कर चुका है। सच बताता हूँ ये चीज़ करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो भगवान का शुक्र है और आप लोगों का प्यार है कि जितना बन रहा भाई हम उतना कर रहे हैं, बाद में आप लोग का आशीर्वाद प्यार है इससे भी ज़्यादा करेंगे और हमेशा आगे और ज़्यादा करते रहेंगे। तो फिलहाल पैक हो चुका, अब जल्दी से निकलना और जल्दी से वहाँ पहुँचना, तो लेट्स गो गाइज, लव यू। पैक हो चुका है, गाड़ी भी रेडी है और हम तो रेडी है ही, चलते हैं।
गाइस मैं एक चीज बताना भूल गया था कि थैंक गॉड कि हमें पापा का स्कूटी मिल गया था, इस वजह से जाने में पॉसिबल हुआ कि हम लोग, अगर स्कूटी नहीं रहता तो हम लोग कैसे जाते कुछ भी नहीं पता था। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं सब साथ में, अभी कहाँ जाएंगे डिसाइड अच्छे तरीके से नहीं है, गरोल जाते हैं या फिर नवट्टा जाते हैं, डिसाइड करते कि ज्यादा लोग ज्यादा जरूरत कहाँ है वहाँ जाएंगे, ज्यादा जरूरत होगी तो। देखो यार सच बताता हूँ, मुझे ये ब्लॉगिंग करने में, ये वीडियो बनाने में और ये काम करने में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, अंदर से बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे कहीं मेला देखने जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, जो वाला खुशी होता है ना तो सेम उससे भी ज्यादा हो रहा है। और एक बात की यार मुझे आप सबों का थैंक यू नहीं चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सब आप सबों का सपोर्ट प्यार आपकी वजह से ही कर रहा हूँ। तो बस आप खुद को ऐसा समझो, मुझे नहीं चाहिए थैंक यू, जो भी कर पाया हूँ वो आप सबों का सपोर्ट और प्यार से ही कर पाया हूँ। और कहाँ जाना है ये अभी भी डिसाइड नहीं है गाइस, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि जहाँ मिल गया फिर से दोबारा वहाँ मिले, हम चाहते कि जहाँ नीड हो हमारा वहाँ जाएं। तो अभी बिल्कुल फोन करके सबसे पूछ रहा है कि कहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ हम लोग जाएंगे। लव यू। तो फिलहाल अभी हम लोग बनगांव पार कर चुके हैं, बलुआ पुल साइड जा रहे हैं, किसी से पता चला मतलब किसी से फोन करके पता चला कि ज्यादा जरूरत हम लोग को, अरे कौन सा जगह बताया, जगह कौन सा, गरोल से दक्षिण उधर सीमटो का साइड जा रहे हैं, उधर ज्यादा हम लोग का जरूरत है, पहुंचने का बहुत ज्यादा जल्दी है, कब पहुंच रहे हैं। हाँ जी, तो गाइस जस्ट हम लोग अपने लोकेशन वाले जगह पे आ चुके हैं। मुझे तो इन सब का हालत देख के ही बुरा लगा और सोचो ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैसा लग रहा होगा कि घर से बेघर, घर डूबा हुआ। खैर अभी हम लोग उत्तर साइड आए हुए थे, अभी जा रहे हैं दक्षिण साइड, क्योंकि देख के नहीं लगा कि उतना ज्यादा नीड है, हालांकि दे सकते थे लेकिन मेरा मकसद है कि जिनको ज्यादा नीड है, ज्यादा जरूरत है उनको देने का। तो हम लोग जा रहे हैं अभी दक्षिण साइड। आज तो गाइस अभी हम लोग दक्षिण की तरफ पहुंच चुके हैं, अब ढूंढना है कि जरूरत किनको है हमारी, तो चलते हैं ढूंढने के लिए। हम लोग अंदर जा रहे हैं, जमालपुर थाना है कोई आगे, बताया गया कि अंदर अंदर ही पुल टूटा है, तो बस वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग को जस्ट गाइस यहाँ पता नहीं कौन सा जगह है, वहाँ से रिटर्न वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि बाइक अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, बोल रहे पैदल जाने के लिए, पैदल तो जा सकते लेकिन हमारे पास सामान है, अभी देखते हैं क्या करना है। क्या इधर जाए अब, फलक तो गरज तो बरस तो धूप में छांव की एहसास तो। एक बोरा तो बांट दी हम लोग गाइस, अभी बात बाकी बचा है एक बोरा, और कोई बताया कि अंदर ज्यादा नीड है, तो अभी हम लोग यहाँ बाइक लगा के जा रहे हैं, अंदर पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पता नहीं क्यों गाड़ी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, अब क्यों नहीं है उतना नहीं पूछे, तो जस्ट अभी हम लोग पैदल बोरा लेके जाएंगे। तो बस गाइस बोलने में ही रह जाएंगे, असली स्ट्रगल तो हमारा करिया करता है, दिल खुश का सॉरी सुधांशु का तो कोई बात ही नहीं, देखिए बच्चा देख के थोड़ा सा बुरा लग गया, तो हम लोग का थोड़ा डिसाइड हुआ कि हम लोग रास्ते में बांटते बांटते चलेंगे। गाइस मेरे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ था, बोला गया था यहाँ से मसा 5 मिनट का रास्ता है और अभी आगे पता चला यहाँ 1.5 किलोमीटर है। तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया यार, इन सब लोगों के सामने ये सब कम ही है। वही ना, घर छोड़ के बताओ, उस सबका स्ट्रगल देखा और तुम साला थोड़ा सा पैदल चलेगा, फिर देखो ब्लॉगिंग। दिलखुश थक गया था बोरा लेके, अब सुधांशु अरे बाप रे, और उसके बाद मेरा बारी आएगा। Yes.
अभी पता नहीं गाइस एक बूढ़े अंकल को गिरा दिया है पुलिस, अभी उसी का हल्ला हो रहा है। पुलिस वाला हो के एक बूढ़े अंकल पे पता नहीं लाठी चार्ज करते हैं, गिरा भी दिया, उसी का हल्ला हो रहा है। बस अभी वही देख रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है, अभी ऊपर से बेवजह लाठी चार्ज हो गया। आप बुजुर्ग को लेडीज तो इस चीज़ का हालात है कि एक पुलिस वाले सर लाठी चार्ज कर दिए हैं बेवजह, उनको नहीं मानना चाहिए, बहुत ज्यादा बूढ़े थे, सबको आने दिया एक तो सब पे, और हम लोग को नहीं आने के लिए, एक तो ऐसे ही यहाँ से गाड़ी अलाउ था और हम लोग को नहीं जाने दिया पुलिस वालों। 3 किलोमीटर था गाइस, 3 किलोमीटर हम लोग पैदल आए, बोरा लेके अभी आते बोरा है, जो बांध टूटा है वही बांध दिखाने वाले है गाइस, जहाँ पे बांध ये वही जगह है जहाँ पे बांध, ये रास्ता था ना, ये पहले रास्ता टूटा है, देख लो गाइस बाद बाकी वो इसका एक छोर उस साइड रहा, ये छोर उस साइड सब फंसे हैं, ये इस साइड और हम लोग इस साइड, गाइस जितना भी करता है इधर का उधर का सब बाद में पानी का बहाव। यहीं पे गाइस हमारा समाप्त होता है, सब कुछ देख के बांट के जा रहे हैं अभी घर, अभी 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा, बाद में दोनों सुअर जा रहा है और हम भी पैदल जा रहे हैं, बस डर थोड़ा सा लग रहा है काला ना पड़ जाए इसकी तरह। एक बात है, जितना भी बांटे जो भी बांटे कम ही लग रहा, लग नहीं रहा कि कुछ किए हैं करके आए, लग रहा और ज़्यादा रहता, 1-2 करोड़ रुपये रहता ना सब बांट देते, बस आप लोग का प्यार है भाई, जितना मेरा कैपेसिटी था करने का जो करने का वो किए सब, आप सबों का बदौलत, हमको नहीं थैंक यू चाहिए और ना इसको थैंक यू चाहिए और ना करिया को चाहिए, आप सबों के लिए थैंक यू, बस ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहो, आज थोड़ा किए हैं कल ज़्यादा करेंगे और परसों बहुत ज़्यादा करेंगे और तरसों बहुत ज़्यादा करेंगे, उम्मीद ना करेंगे कि ऐसा कभी पल आए कि इतना कष्ट करे कोई लोग। हाँ खैर बस हमारा ब्लॉग यहीं तक था, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, गाड़ी लेके जाएंगे स्वयं से घर, लव यू। हम लोग जाते जाते एकदम हालत खराब हो गया गाइस, गार फट गया, पसीना से आलो आ गया, कुछ भी आ गया, बाइक लेने के लिए गया था, थैंक गॉड की बाइक मिल गया, पूरा बाल भीग गया मेरा, शकल शर्ट हो, लव यू गाइस, लव यू, बाइक पहुंच गया मेरे पास।